ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी को साई राम। तो मैं साई अनु, मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि अनु 11 वचनों से मेरी लाइफ चेंज हो रही है, 11 वचनों से बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई जो मैं कुछ कह रही हूँ या फिर बाबा की रहमत आप लोगों तक पहुँच रही है। एक से हम कहते हैं ना कि जब हम एक्सपीरियंस क्यों शेयर करते हैं, हम बाबा के जो बाबा हमारे साथ करते हैं वो हम शेयर क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो जब हम कहीं बैठकर बाबा की बात करते हैं ना, तो वातावरण पूरा साईमय हो जाता है। उस जगह पे पॉजिटिविटी आ जाती है। कभी गौर किया हो आपने तो ज़रूर बताइएगा। कभी भी आप कहते हैं अच्छे इंसान के साथ बैठो तो हम अच्छी बातें करते हैं, किसी चोर के साथ बैठेंगे तो वो क्या अच्छी बातें करेगा, वो तो वही बातें करेगा ना भाई, कल कहाँ जाना है, किसका घर, यही ऐसी बातें करेगा ना वो। तो हर एक माहौल हम बनाते हैं। अगर हम कहीं पर बैठ के बाबा की बातें करेंगे ना, तो पूरी जगह साईमय हो जाती है। वहाँ पर बाबा खुद ऐसा लगता है कि पहुँच जाते हैं। तो जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो उस वक्त हम बाबा के बारे में सोच रहे होते हैं कि बाबा ने हमारे साथ ये किया था। हम पूरी स्टोरी जब बोल रहे होते हैं तो वो हमारे सामने चल रही होती है ना कि बाबा ने ये किया, मैं ऐसे था, वैसे था, मैं यहाँ से यहाँ आया। तो उस वक्त भी हम बाबा को समय दे रहे होते हैं कि बाबा के लिए सोच रहे होते हैं। और ना जाने उस एक एक्सपीरियंस की देखते हुए ना जाने कितने लोग उस वक्त बाबा से जुड़ जाते हैं। कुछ कुछ एक्सपीरियंस तो है, कई साईं भक्त भी ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस के सुन के ही एक्सपीरियंस को जुड़े हैं बाबा से। आप में से भी कुछ होंगे। मैंने भी ऐसे ही देखा। जब मेरे घर पे बाबा आए तो मुझे बाबा को देखकर एक प्यार सा झलक आया और मैं बाबा की हो गई, है ना। तो ऐसे ही ना जाने बाबा ने कितने भक्तों को अपने पास खींचा है, किसी को कैसे खींचा। तो एक्सपीरियंस जो हम शेयर करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस दीदी हम क्यों शेयर करें, अपनी चीज़ें क्या शेयर कर सकते हैं। तो चीज़ें आप पूरी मत शेयर करो, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करने से क्या होता है वो आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कहती ज़रूरी है। लेकिन हम जब कहीं बैठते हो, चैनल पे नहीं करो, कहीं बैठो ना, तो बाबा का जिक्र छेड़ो। उससे क्या होगा, आप ना किसी की बुराई सुन पाओगे और ना किसी दूसरी चीज़ में मन जाएगा, आपकी होंगी बाबा की बातें, ठीक है। और जब साईं के पास बैठो तो साईं से बात करो, बाबा से करो, जितनी जिसकी जो बात करनी है ना बाबा से किया करो। लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आज हमारे साथ बैठ के उसकी बुराई कर रहे हैं तो कल उसके साथ बैठकर हमारी बुराई करेंगे, सही है ना। लोगों की कोई वो मतलब नहीं है। जो हमारे साथ बैठ के किसी दूसरे का मुद्दा छेड़ सकता है, वो दूसरे के साथ बैठकर हमारा भी छेड़ सकता है। अरे वो तो बड़ी ख़राब थी यार, तो हम क्यों किसी को ख़राब कहें। अगर हमें किसी को खराब भी कहना तो बाबा के सामने बैठकर कहेंगे, जो उसका कुछ हल करेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको कुछ भी बुरा भला लगता है ना, किसी से नहीं करना, बाबा से करना। और कोई क्या हमारी जो जिसकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हमारी क्या करेगा। उससे खुद से पूछो उसकी कितनी दिक्कत होगी और वो हमारी करेगा नहीं। हमारी तो हमारे संभालने के लिए हमारे बाबा बैठे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपके साथ करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, आहा क्या बात है। तो इसी तरह से थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए एंड सब चीज़ के लिए। थैंक यू सेवा, थैंक यू सो मच साईनाथ, एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय साई राम, साई शुभ रात्रि। बाबा को याद करके सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। जय साई राम।